दोस्तों मैं आपको जो है हाउस बोट के बारे में जो डल झील में है उसमें आपके आप उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए ये हाउस बोट है, इसके बारे में मैं आपको पूरा दिखाता हूँ और कैसे है क्या है सीन इसका, तो देखते जाइए मेरे साथ और बने रहिए मेरे चैनल में। तो दोस्तों ये शिकारा का एंट्रेंस है और ये इसकी डेकोरेशन है, आप देख लीजिए ऐसी डेकोरेशन होती है। और इसका फ्रंट है, फ्रंट है इसका, ये देखिए इसका फ्रंट है। अब ये देखिए बिल्कुल कालीन बिछा हुआ है, एक नया एक्सपीरियंस है, आप इसे कर सकते हैं। और रूम्स इस गैलरी में एक एक रूम है, रूम के अकॉर्डिंग आपका ले रखा है। देखिए ये अंदर रूम है और ये पूरा यहाँ से ये व्यू है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए सब शिकारी हैं और ये डल है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितना बढ़िया डिजाइन निकाल रखा है, इसमें हमने स्टे कराया और बिल्कुल बढ़िया स्टे था। एक नाइट आप जरूर रुकिए, जब भी श्रीनगर आते हैं डल लेक में जरूर रुकिए एक रात, एक नया एक्सपीरियंस है। और इसमें आपको दो चीज़ें मिलती है, एक शिकारा राइड भी मिलेगा इसके साथ में आपको। तो आप शिकारा राइड में, ये ओपन आपका डाइनिंग है, यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों सैकड़ों वर्षों से श्रीनगर की डल झील, नगीन लेक और झेलम नदी के पानी पर आबाद हाउस बोट कश्मीर की माजी की शान को बयां करता है। हाउस बोट के बिना कश्मीर का पर्यटन उद्योग एक अधूरी कहानी सा है। दोस्तों जब भी आप कश्मीर आएँ, अगर आपने डल झील और हाउस बोट और शिकारे का आनंद लिया तो आपका जो यात्रा है वो अधूरी ही मानी जाएगी। चाहे आप कश्मीर में कहीं पर भी घूम लीजिए, चाहे पहलगाम घूम लीजिए, सोनमर्ग घूम लीजिए, गुलमर्ग घूम लीजिए, मगर इसका भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है जिसे आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप श्रीनगर आते हैं तो ये डल झील का अनुभव, शिकारा राइड और हाउस बोट का अनुभव ज़रूर लें, बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों कश्मीर के लाखों लोग हाउस बोट के कारोबार से जुड़े हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए हाउस बोट एक बड़ी दिलचस्पी का सबब होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और शायद ही कोई पर्यटक ऐसा होगा जो कश्मीर के हाउस बोट में कुछ समय ना बिताना चाहिए। देखिए सुबह हाउस बोट में हम सुबह के समय का देखो दृश्य कितना बढ़िया लग रहा है, सुबह का एक अलग ही छटा है, शाम की अलग छटा है। आप दोनों जाइए, शिकारा राइड पे जाइए और यहाँ का जो फ्लोटिंग मार्केट है उसे देखिए, डल झील का जो हाउस बोट है उसमें देखिए। मैं तो आज हमारी हाउस बोट पे उपमा बना हुआ है, तो हम ये उपमा ले लेते हैं। पोहा है ये? ये पोहा है, हाँ। सॉरी। ये बना हुआ है उपमा, उसको भी ले लेते हैं। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो होगा हमारा हाउस बोट में उपमा और पोहा। और एक लेंगे ब्रेड की स्लाइस, सैंडविच, कुछ भी नहीं, कप चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसा लगा दल झील? कैसी लगी दल झील? कैसी लगी आपको?
नहीं बताएंगे। डल झील कैसे लगी? नाइस। बर्तन रगड़ क्यों रहे हो? चाय डाल के पी लो ना। कॉफी चल रही है? कॉफी कॉफी पी जाए। इतनी सारी चीनी ऐसे क्या बना रहे हो? वीडियो को पूरा खत्म करो। आप आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, क्या खा रहे हो? मालूम पोहा और ये 100। ओके, कैसा लगा खाना? ओके पापा, क्या खा रहे हो? आज हमारे हाउस बोट का नाश्ता है पोहा, उपमा, ब्रेड स्लाइस एंड चाय कॉफी। चाय कॉफी है? कॉफी कॉफी। यहाँ पर काफी आगे जाके 10-15
दोस्तों, ये हाउस बोट का सफ़र आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। तो देखिए दोस्तों, ये हाउस बोट का हमने आपको कमरा भी दिखा दिया, इतना बढ़िया हमारा शॉर्ट स्टे रहा और हमने एक अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिताया और एक जो नेचर को निहारने का जो है, डल को निहारने का एक अच्छा अवसर हमें मिला है, तो हमने उसे उसका प्रयोग किया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में और ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोज़ जो भी मेरे टूर के हैं। धन्यवाद दोस्तों।